सरकार ने दिसंबर तक देश के हर नागरिक के टीकाकरण का एक टारगेट तय किया है, लेकिन वैक्सीनेशन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से ये टारगेट पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच दुनिया में तीसरी लहर की शुरुआत ने चुनौतियां काफी बढ़ा दी। सोलह जनवरी ये वो तारीख है जब देश में पहली बार कोरोना के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। छह महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक वैक्सीन की सिर्फ 39 करोड़ से कुछ ज्यादा ही डोज लोगों को लगाई गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि दिसंबर तक देश के सभी लोगों के वैक्सीनेशन का मिशन पूरा होगा कैसे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 15 जुलाई तक केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 40 करोड़ 31 लाख 74,380 वैक्सीन डोज दी हैं, जिसमें से 38 करोड़ 39 लाख 2,614 वैक्सीन डोज इस्तेमाल हो चुकी है। इसमें मेडिकल वेस्टेज भी शामिल है। राज्यों के पास अभी 1 करोड़ 92 लाख 71,766 वैक्सीन डोज मौजूद है। वहीं 83 लाख 85,790 वैक्सीन डोज पाइपलाइन में है। लेकिन एक सच ये भी है कि कई राज्यों के पास वैक्सीन की कमी है, इसीलिए या तो वो टीकाकरण को रोक रहे हैं या फिर सिर्फ दूसरी डोज लगा रहे हैं। राज्यों का आरोप है कि वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार के जिम्मेदार केंद्र सरकार है, क्योंकि उसी के रास्ते से चलकर वैक्सीन उनके दरवाजे तक पहुंचती है। हालांकि केंद्र सरकार की दलील कुछ और है। हमारे पास एक महीने में जितनी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो विजिबल है, ये हम शेयर करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसी के हिसाब से हमें जनता की एक्सपेक्टेशन रेज करनी चाहिए। एक मिलजुल के करने की बात है और प्लानिंग उसी तरह से होनी चाहिए। हाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया गया कि 31 जुलाई तक 51.6 करोड़ टीके लोगों को लगाए जा चुके होंगे। वहीं सरकार अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ कोविड वैक्सीन की खरीद करेगी। इसमें 50 करोड़ कोविशील्ड, 40 करोड़ कोवैक्सीन, 30 करोड़ बायो ई, 10 करोड़ स्पुतनिक वी और 5 करोड़ जाइडस कैडिला डीएनए वैक्सीन शामिल है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड को छोड़ दें तो बाकी की वैक्सीन अभी तक तकनीकी पेच में फंसी है। जाइडस कैडिला को अब तक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं मिला है। वहीं जिस बायोलॉजिकल ई से सरकार ने एडवांस में 30 करोड़ डोज खरीदी है उसका तीसरे चरण का ट्रायल खत्म नहीं हुआ है। स्पुतनिक वैक्सीन अभी तक इम्पोर्ट हो रही है पर उतनी संख्या में नहीं कि भारत की जरूरतों को पूरा कर सके। हालांकि जल्द इसका निर्माण देश में होगा। मॉडर्ना की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल चुकी है, लेकिन भारत में अब तक वैक्सीन आई नहीं है और कब तक आएगी ये भी साफ नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वैक्सीन बनने के बाद की प्रक्रिया भी लंबी होती है, क्योंकि सीडीएल लैब कसौली से बैच क्लियर होने के बाद ही वैक्सीन टीकाकरण के लिए मिलती है। इसलिए दवा के बनने और उसके टीकाकरण के लिए उपलब्ध होने में अंतर होता है। ये बड़ा एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम होता है, डायनामिक सिस्टम होता है। सीडीएल की क्लियरेंस मिलती है, स्टेबिलिटी टेस्ट के बाद बैच रिलीज होता है, उसको प्लानिंग से प्लान करके तरीके से स्टेट्स के साथ शेयर किया जाता है। सीएस की जिम्मेवारी बनती है कि उसको मद्देनजर रखते हुए ही अपनी आगे जो मार्केट प्लानिंग होती है। अब तक के हालात को देखते हुए दिसंबर तक भारत की पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण कैसे होगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि अगस्त के बाद हालात ठीक होंगे और टीकाकरण का टारगेट समय पर पूरा होगा। ABP News आपको रखे आगे।